हे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक न्यू वीडियो में। बहुत दिन के बाद एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं दोस्तों। अब वीडियो में क्या मतलब आप लोगों के साथ अभी मतलब ये बहुत दिन से कोशिश कर रहा था कि वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आऊं, एक्चुअली लेके ही नहीं आ पा रहा था एक्चुअली। चलो काम कीजिए दोस्तों, वीडियो में बात करने वाला है कि अभी तो आप लोगों को पता ही होगा कि अभी मतलब जो स्कैम के रिलेटेड लेके मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर मतलब यूट्यूबर जो बड़े बड़े दामी दामी मतलब बहुत सक्सेसफुल पर्सन है उन लोगों की आपस में, तो जब चीज़ों को जो उस दिन हुआ तो मैंने काफ़ी एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जिस दिन संदीप सर ने अपलोड किया वीडियो, मैंने उस दिन एक दस आधा घंटा में ही देखा वीडियो, जो एक्सपोज नाम पे वो चीज़ बिगेस्ट एक्सपोज ऐसा कुछ हुआ था, तो उस दिन देखते थे उसमें काफ़ी हुआ। तो इसी चीज़ों में एक चीज़ बताना चाहता हूँ जो इसमें कंट्रोवर्सी में जो एक्चुअली सिस्टम में हो रहा है, आप सबको एग्जैक्ट सच क्या आ रहा है वो क्लियर नज़र आ रहा है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ों को भी इस वीडियो में मुंह नहीं खोल रहा था कि इसलिए मैं इसलिए अपना ओपिनियन नहीं दे रहा था भाई। जब मैं खुद मैं अभी अपना काम में मैं अपना तरफ देखूं या इस चीज़ मतलब इसी चीज़ों में पढूं, लेकिन जब आज तक सामने चीज़ आने लगा दोस्तों, मैं भी खुद शॉक्ड था। अगर जेन्युइनली बात बोलूँ ना, मैं भी ज़्यादातर सोचता था कि एक्चुअली उन लोगों का बिजनेस चलता है कैसे, जैसे जिस तरह से डॉक्टर जो भी यूट्यूबर है, डॉक्टर जो भी बड़ा बिजनेस ट्रेनर जो है यूट्यूबर, उनकी मैं सोचता था कभी ना, मैं सोचता भाई ये मोटिवेशन तो देते हैं किसी का और किसी का मेहनत और किसी का सोचो एक चीज़ सोचो भाई, एक ने मेहनत किया, उनको ये नहीं पता कि आने वाले मेरा लाइफ में क्या होगा। उनका जो उनका हैबिट है, उनका डेली हैबिट है, उनका जो नेचर की है, उस बेसिक्स पे उन्होंने एक सक्सेस किया, एक लेवल में सक्सेस किया। उनका स्टोरी बताकर भाई हमें एक चीज़ को मतलब एक वाइब क्रिएट कर देना, बैकग्राउंड म्यूजिक देके बना देना, ये क्रिएट करके ये सब मोटिवेशन वीडियो नाम पर बनाकर ये तो एक्चुअली पैसा ही तो कमा रहा है भाई हम लोगों से। हम लोग व्यू कर रहे हैं उसमें पैसा कमा रहे हैं, उसी का विश्वास, उसी का ट्रस्ट बनाने के बाद में जाकर कुछ अंदर हो रहा है। मैं सोचता अगर उनके पास इतना नॉलेज है बिजनेस को कि बिजनेस सिखा पाए, खुद क्यों बड़े बड़े बिजनेस स्टार्टअप क्यों नहीं कर रहे। अगर इतना नॉलेज है भाई, एक बिजनेस 5-10 साल में क्रिएट किया, उसको मैनेज कर, उसका नेक्स्ट बिजनेस स्टार्टअप किया, तो ऐसा क्यों नहीं करता है? मैंने ये सोचा, ये मेरा मन हमेशा ही चलता था। ये सोचता मैं फिर और सच बोलूँ तो ये सब चलता था, और उसके साथ IBC ये सब जो IBC BD DF जैसा है मैंने कहा जो ऐसा होता है नाम पे। तो एक्चुअली क्या है ना, ये जो बिजनेस जो कोर्स होता है, ये सब कोर्स में मैंने भी ट्राई किया, जो बिजनेस ट्रेनर जो कोर्स होते हैं ये सब ABC DF जैकनामैन ऐसा कुछ जो नाम पे जो कोर्स चलते हैं, कोर्स मैंने ट्राई किया। मैंने कांटेक्ट किया भाई हमको बताया गया, उस टाइम मैंने तो जॉब भी नहीं था भाई, अभी तो जॉब भी करता हूँ, उस टाइम जॉब भी नहीं था। मेरे को बताया गया भाई हाँ आप लोग को मैं लोन करा देंगे, ये करा देंगे, ये सब बताया गया। तो मैंने सोचा चल अच्छी बात है भाई, लोन वगैरह करा देंगे, ये सब करा देंगे, लोन कितना मंथली पड़ेगा तो सब कुछ उन्होंने बताया भाई बार बार क्या। मेरे पास ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर भी था, या अगर मैं झूठ बोलना तो उनके नंबर चेक कर सकते भाई, मेरा नंबर है उनके पास, कॉल गया होगा तो हिस्ट्री उनके पास ज़रूर होगा। मैंने तो बहुत बार कोशिश की, ऐसा नहीं कि मैंने इस चीज़ को लेके बार बार सीरियस कंफर्मेशन लिया, बार बार स्क्रीन शॉट लिया, भाई क्या करूँगा ये सब चीज़ों को ज्वाइनिंग करके, राइट। जब ये सब चीज़ों को ज्वाइन करते जब स्कैम फ्रॉड होगा ही होगा, तो काफ़ी मैंने सोचा कि नहीं ये सब नहीं करना है, फ्रॉड होता है स्कैम। जब बाद में पता चला कि ये सब स्कैम होता है, ये सब नहीं करना चाहिए, तो मैंने दोस्तों काफ़ी ये सोचा कि ये सब स्कैम जब करते हैं लोग तो भाई क्यों मैं ज्वाइन करूं, राइट। तो मैंने तो काफ़ी उस टाइम मैंने सोचा फिर हाँ क्या ये सब, क्या ये सब क्या होता है क्या पता नहीं, अगर मैंने फंस गया तो पैसा मेरा, अगर लोन लिया लोन चुका नहीं पाया तो। लेकिन दोस्तों मैं सच बता रहा हूँ, उनकी बातों से मैंने सोचा भाई चलो दुनिया में इतना सब कुछ कन्फ्यूजन है भाई, इतना कोर्स क्या करो, इतना लाइफ टेंशन है, चलो कोई तो रास्ता मिलेगा, इतने बड़े एक है कुछ उनके अंदर जो बिजनेस सिखा रहे हैं, तो हमको बिजनेस सीखने को मिल जाएगा भाई। पैसा खर्च किया मतलब पैसा नहीं कमाया तो क्या वो बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, मेरा माइंडसेट ये बनने लगा। मैं सोचते सोचते फिर सोचा कि नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, काफ़ी टाइम पे ये सब पे बाद में प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ये सोचते सोचते मैंने एक बार मैं सोचा कि भाई ये नहीं करना है मेरे को, पैसा नहीं होगा, फंस जाएंगे हम बाद में, अरेंज EMI नहीं भर पाएंगे जो बैंक की लोन,
क्या पता बैंक लोन करेगा, वहीं पे वहीं से अगर पैसा कमाते होंगे भाई, बैंक लोन कराने से पैसा भी मिलता है, अगर 100 लोगों को कराया 100 लोगों से पैसा मिला तो ये भी हो सकता है भाई। लेकिन ये सब छोड़ा मैं सोचा, फिर ये सब छोड़ने लगा, लेकिन वीडियो कंटिन्यू वॉच करता था। उसके बाद मैंने उस तरह से, तो मोटिवेशन एक टाइम पे था ना, जो उस तरह सा एनिमेशन कंटेंट था वो सब जब नहीं आने लगा तो मैंने वीडियो देखना ही छोड़ दिया। उसके बाद किस तरह से कोई ब्रांडिंग किस तरह से ऐसा कुछ हो रहा था, वो कभी कभार थोड़ा एक दो मिनट देखता बस छोड़ देता था। तो वैसे क्या उतना अच्छा नहीं फील होता था, जैसे कि बड़े बड़े लोगों के बारे में जब बताते थे तब मैं देखता था, नहीं सो नहीं वीडियो को हाइड करता। कभी कभार मतलब फ्रस्ट्रेशन ऐसा कुछ टेंशन होता तब मैं सर्च करो किसी का वीडियो का देखता था, उनका जो बोलने का तरीका भाई उस वीडियो से थोड़ा माइंड डाइवर्ट होकर थोड़ा अच्छा लगता था, अच्छा मूड ठीक होता था, स्विक करता था, फिर ये सब चक्कर में पड़ गया था। मतलब होता जो फालतू का चीज़ है जो मोटिवेशन चक्कर में। इसी बात को तो संदीप से हमेशा विरोध किया भाई, हम भी बना, संदीप से बहुत बार बोले हम भी बना सकते हैं बैकग्राउंड म्यूजिक देकर, बड़े बड़े जो आप सुनने को पसंद है उसी तरह से बात बोलकर आपको अटेंशन लेने के लिए ले सकता हूँ, उनको ये तरीके से अच्छे से पता है, लेकिन ये नहीं करते हैं, उन्होंने क्लियर बोल करके इससे कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये करूँगा यूथ का माइंड ख़राब होगा, इससे और कुछ नहीं होगा, ये पहले क्लियर कर दिए। उसके बाद ये जब समझ आया मैंने सोचा कि नहीं ये सब कोई फ़ायदा नहीं है, हर सबको समझ आया। तो काफ़ी अभी जो स्कैम चल रहा है दोस्तों, इसमें एक ही चीज़ है कि अभी जो वीडियो के बारे में अभी जो सिस्टम चल रहा है इसमें एक ही प्रॉब्लम है, जो यूथ है ना वो ख़राब हो रहा है, जब यूथ का जो माइंडसेट था ना और गंदे तरीके से जा रहा है। हम लोग ट्रस्ट करके एक तो कोर्स लेने से पहले उसको 3-4 महीना 6 महीना 1 साल लगा देते हैं कोर्स लेने, सोचते हैं कि ले या ना ले, ले या ना ले, उसकी बेस पे ये सब स्कैम हो रहे हैं। और किस तरह स्कैम में सब झूठा हुआ झूठ हो रहा है भाई, एक इंसान ने जो हमारे सबसे बड़े लर्निंग जब भगवान भागवत गीता बेस पे एक इंसान को रिप्रेजेंट कर रहा है उसी बेस पे अच्छा बात बोलना ये सब करना ये सब करके लास्ट में जाके सब लोगों के फंसते हैं भाई। जो लोग सही में कुछ करने आएंगे ना आने वाले टाइम पे, उन लोग तो फंसेंगे ही फंसेंगे, उन लोग को तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उन लोगों का तो मार्केट चलेगा ही नहीं, क्योंकि उनको फिर ये साथ देना बहुत दिक्कत होता है। ऐसा हो गया ना, एक ने गलत किया तो सबका ऊपर मतलब गलत आ गया नजर, सबसे में सबको ऐसे ही होंगे, सबका भी घटना लगा। तो ये सब करने से पहले भाई ये सब सोच, ये सब छोड़ो, ये कभी बंद नहीं होगा, ये सब छोड़ो कभी बंद नहीं होगा। जो जो जिसका गलत करने इंटेंशन है वो गलत करेगा, इसको बोलो फ़ायदा नहीं, उसको ज्ञान दे कर फ़ायदा नहीं। लेकिन इसमें यूथ का जो माइंड सेट है ना वो गंदा ख़राब हो रहा है, जिस बारे से अभी उन्होंने संदीप सर ने भी उस चीज़ को लेकर फाइट कर रहे कि भाई ये सोसाइटी पर आ गया, यूथ पर आ गया, मतलब ये नुकसान हो रहा है, बहुत बड़े बड़े नुकसान हो रहे हैं इसमें, बहुत पैसा बर्बाद हो रहा है, जान नहीं जा रहे इसमें, इस चीज़ों के लिए मैं विरोध करूँगा। उन्होंने बोला कि बहुत अच्छी चीज़ है। और मैं और एक चीज़ बोलूँगा, जो डॉक्टर जो उनकी जो कंटिन्यू जो उनकी जो 20-30 दिन का MBA कोर्स वगैरह जो 10-20-30 दिन का जो MBA कोर्स होता है जो कराने आया था अभी, तो भाई उनकी वीडियो में जब तो पहले स्टार्टिंग में जो बात बोला गया ना, जो एक तरह से बोलूँगा वो थ्रेटिंग था, जब मैं जिस दिन देख रहा था ना मेरे को लगा भाई यही इंसान इस तरह से बात कैसे कर सकते हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज उनका बोलने का तरीका ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ये सब क्या हो रहा है। मतलब मैं देखा उनको उस वीडियो में भाई लाइव जो चल रहा था वीडियो, उन्होंने ये इंसान ये सभी कॉन्टेंट ये लोग बनाते हैं भाई, अंदर में इतना गंदा इतना नफरत, ये लोग खुद को सिखाते हैं लोग अंदर से इतना गंदा, मतलब ट्रीटिंग दे रहे हैं बोले जा रहे हैं ये कर रहे हो कर, भाई आप गलत कर रहे हो आप ही का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपको सामने आंसर रखना होगा, ये नहीं आप ये कर रहे हो आप ये कर रहे हो उंगली खुद और किसी पे। ये देखा उनका बोलने का तरीका, देखा बॉडी लैंग्वेज का भी बहुत गंदे तरीके से था, मैंने उस दिन वीडियो देख रहा था लाइव वीडियो में, बहुत गंदा था भाई पूरा गंदा था, ऐसा बॉडी लैंग्वेज मैंने कभी देखा ही नहीं था उनका, ऐसा बॉडी लैंग्वेज जिंदगी में नहीं देखा था, वो जो गंदे लैंग्वेज में जो गंदे मतलब बॉडी लैंग्वेज के साथ जैसे वाइब दे रहे थे ना, कोई बोल रहा भाई इंसान क्या है ये क्या इंसान बोल रहा है और किसी का बुराई कर रहे भाई। लेकिन उसी जगह पे संदीप सर ने जब काम किया जो बॉडी लैंग्वेज था वो एक रिस्पेक्टफुल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बात था, उनका बोलने का तरीका समझ आ रहा था, इस चीज़ों से ना मैं बहुत फायदा हो गया भाई। ऐसे तो लोग तो ऐसे ही समझते हैं हर चीज़ों को भाई, यहाँ पे तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं बात करूँगा,
या भाई जो चीज़ें हो रहा है ना उस चीज़ को मैं सपोर्ट में मत करूँ जो सच्ची हो दिख रहा है। और ऐसे मैं तो इंस्टाग्राम में ट्विटर में यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन ही बंद है, वाट लगी पड़ी है। संदीप सर का देखो कुछ भी बोलो भाई ओपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सब और जो न्यूज़पेपर ये हो रहा है मेल आईडी सब चल रहा था इस बारे में, जब संदीप सर की आंसर रहेगा इसमें क्या है क्या नहीं तब जाकर पता चलेगा एक्चुअली सच क्या है। उस बारे में भाई इतना नॉलेज नहीं है मेरा पास, इतना सामाजिक ताकत नहीं है, वो टाइम आने दो। हर चीज़ तो टाइम अपने आप समझ में आएगा। लेकिन जो भाई इंसान कभी ज़िंदगी में कुछ अच्छा चीज़ें बोलने लगा था वही इंसान इतना गलत वाइब से थ्रेटिंग देना तरफ धमकियाँ देना बुराइयाँ करना किसी को नीचा करना आप ये हो आप ये हो आप ये हो ऐसा करना ये कर दे के दिखाता हूँ वो करता हूँ वो करता हूँ पता चल, एक नेगेटिव किसी के बारे में बोलना ये तो शोभा ही नहीं देता भाई उनको कि इंसान ऐसा भी कर सकता है। भाई ऐसा इंसान दूर रहो दूर ही रहो भाई, मैं तो बोलूँगा भाई ऐसे इंसान से दूर ही रहो क्योंकि ये भाई गंदे तरीके से उनका वाइब था। सेकेंड बात है दोस्तों जो कि सब चीज़ों को ना और रहा उनको जो पर्सनल चीज़ों वीडियो वायरल हो रहा है केस वगैरह सब चीज़ों को लेके भाई मैं कुछ बोलने नहीं जाऊँगा क्योंकि उसमें लो की बात है उसमें आइन की बात है। जब उनकी तरफ से क्लियरिटी आएगा तब जाकर हमें पता चलेगा। हम लोगों ने सिर्फ न्यूज़ चैनल पर देखें डिसीजन जो है मतलब फाइनल न्यूज़ क्या वो अभी तक नहीं देखे हमने, जब तक आएगा नहीं उस बारे में हम लोग पता नहीं चलेगा वो क्या हो रहा है क्या नहीं। सबको जो आप सुन रहे मैं भी वही सुन रहा हूँ, ये बारे में मैं कोई अभी तक कोई इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं उसको बोलना भी नहीं चाहता हूँ मैं उस बारे में। वो पर्सनल लाइफ में भाई क्या होता है क्या नहीं, इंसान कुछ गुस्से में क्या करता है क्या नहीं, गलत जो है वो गलत है उसमें नहीं। इंसान गुस्से में अगर कुछ गलत करता है तो गलत ही है, ऐसा नहीं कि गलत माफ दे देंगे। जो हो रहा है भाई तो कुछ सही नहीं हो रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूँ। और जो नाटक जो ये सब ड्रामा चल रहा है ना भाई जो इंटरनेट में सब जो करके मोटिवेट करके भाई आप लोग किसी को कोर्स बेच लेते हो ये कर लेते हो, अरे कोर्स बेच बेच के इंसान अमीर हो रहा है भाई, दे दे कर इंसान गरीब हो रहा है जो कि अमीर बनने की लालच है। ये भाई इन लोगों का दूर दूर से भाई नमस्ते कर दो भाई, नहीं चाहिए भाई तुम आप लोग ऐसा रखो अपना पास कोर्स, जिस कोर्स से वैलिड कुछ स्किल नहीं होगा उनको नहीं चाहिए भाई। पैसा छापने के अगर कोर्स है तो मत तो दे दो वापस ही दे दो भाई, ले ले अपना पास। कोई स्किल सिखा रहा है तो स्किल सिखा, खुद ही बिजनेस कर रहा है। हाँ कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई एक वीडियो में मिलता है कि 10 लाख 12 लाख 30 लाख कमाओगे महीने में, जो भी लाख का मैं अमाउंट बोल रहा हूँ जो भी चलो 10वें महीने जो भी 10-50 लाख कमाने के बोलते हैं, लेकिन उनका जो मतलब वर्कर्स है जो मतलब जॉब करते हैं वहाँ पे जो सर्विस करते हैं उन लोगों का सैलरी 30-40 हज़ार, ये एक न्यूज़ में मैं सुन रहा था भाई। मैंने देख कर सोचा हंसी आ गया भाई, क्या है सिस्टम क्या है भाई क्या नहीं पता कि हम लोग को सिखाया जा रहा है 10 लाख का पैकेज कमाओ सर पैसा कमाओ और उन लोग को सैलरी 30 जिन्होंने कोर्स बना रहे हैं उन लोग को 30-40 का तनख्वाह मिलता है। मैं तो सुनकर बहुत इस चीज़ों को समझ आया भाई, ये क्या लॉजिक है भाई क्या गेम है पता नहीं भाई। छोड़ो छोड़ो भाई ये सब चक्कर बंद सब क्या हम लोग बोले, लेकिन एक चीज़ क्या है ना यूथ बहुत इसमें यूथ का जो माइंड सेट ना बहुत खतरनाक तरीके से बर्बाद हो रहा है। यूथ को मतलब ये जो सिस्टम है ना बहुत गंदे तरीके से हो रहा है। मैं खुद ये सब चीज़ों को देखता भाई, ये सब मैं खुद बोलता हूँ भाई दूरी रहो ऐसे ठोकने वालों से मतलब चीटिंग करने वालों से, और ऐसे मोटिवेट किसी के बारे में बताकर आपसे उनके फ़ायदे में लूटने से।